दिनों 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा को मिली जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया और एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई संदेश दिया। 28 सीटों पर उपचुनाव होने के पूर्व भाजपा के पूर्व जिला प्रतिनिधि एवं सिंगौड़ी क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता हजारी चंद्रवंशी ने उपचुनाव होने के पूर्व ही परिवार सहित पूजा अर्चना कर कामना कर संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सभी सीटों पर भाजपा अधिक से अधिक सीटों पर अच्छे बहुमतों के साथ विजय रथ हासिल करे और प्रदेश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुनः सत्ता पर काबिज रहे, जिसको लेकर भाजपा नेता हजारी चंद्रवंशी और उनके परिवार ने कामना की और संकल्प लिया कि चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की सरकार बनी रहे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने रहे, जिसको लेकर इनके द्वारा सभी के सहयोग से ग्राम पटनिया में महायज्ञ किया जाएगा। आज मीडिया को बताते हुए इन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज रही और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने रहे। उपचुनाव के पूर्व जो कामना मेरे द्वारा की गई थी वह चुनाव परिणाम आने के बाद पूर्ण हो गई और सरकार भाजपा की बन गई। इसको लेकर ग्राम पटनिया में महायज्ञ जल्द से जल्द करने की बात इन्होंने कही और कहा कि महायज्ञ को लेकर सारी तैयारी जल्द ही प्रारंभ की जाएगी, किंतु इसके पहले जिला भाजपा और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस क्षेत्र में उन्हें आने हेतु आमंत्रित किया जाएगा ताकि वह इस महायज्ञ में शामिल होकर होने वाले यज्ञ में आहुति छोड़ सके ताकि सारे क्षेत्र में अमन चैन शांति बनी रहे। हालांकि चंद्रवंशी भाजपा के बहुत ही पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता है और अनेक वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित विधायकों और मंत्रियों के साथ समय समय पर पार्टी की रीति नीति को लेकर मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर चुके हैं। अब इनकी एक ही आस है कि जब भी यज्ञ का आयोजन होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महायज्ञ में शामिल होने ग्राम पटनी आए और कार्यक्रम की सहमति प्रदान करें ताकि इनका संकल्प पूरा हो सके। विधानसभाओं के उपचुनाव के पहले आपके द्वारा घोषणा की गई थी कि यदि भाजपा की पुनः सरकार मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के साथ अच्छे मतों से आती है तो आप महायज्ञ करेंगे, क्या पूरी कहानी है? देखिए, मेरी चुनाव के पहले से ये तमन्ना थी और मेरे पूरे परिवार समर्पित भावना से काम करते हैं और मैं हमेशा से बीजेपी के साथ रहा हूँ, बीजेपी का ही काम करता हूँ और निष्ठा पूर्वक काम करते हैं। इसलिए मेरी परमात्मा से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है, जो भी समझें, और हमारा पूरा परिवार ये संकल्प ले चुका है कि हम यज्ञ अवश्य करेंगे और हमारे प्रदेश की जनता ने हमारे शिवराज जी को मुख्यमंत्री पुनः फिर से कुर्सी वापस की है ना, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यज्ञ हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही यज्ञ संपन्न हो और जब तक वो नहीं आएंगे यज्ञ में तब तक मैं किसी प्रकार का संकल्प नहीं तोड़ सकता, मेरा संकल्प है। और अगर नहीं आएंगे तो मैं उपवास भी करूंगा, उपवास के दौरान उनको आना पड़ेगा और मेरी प्रार्थना तो जरूर स्वीकार करेंगे, मेरे को ऐसा विश्वास है। और हमारे जो भाजपा के लोग हैं प्रदेश के, उनसे चर्चा करके ये सारी प्रक्रिया बनाएंगे और इसकी रूपरेखा बनाकर हम यज्ञ जरूर करेंगे। आपको, आपका नाम हजारी चंद्रवंशी है और आप बहुत पुराने समय से, जब से भाजपा पार्टी बनी तब से आप भाजपा का बैनर तले कार्य करते हैं, तन मन हर प्रकार से। बहुत सारे मंत्री विधायकों के साथ आपने काम किया है, क्या महसूस करते हैं आप? हाँ, काम तो किए हमने। और किन किन लोगों के साथ काम किया आपने? हम तो चंद्रभान जी के साथ काम किए, पटुआ जी के चुनाव बहुत सारे नेता लोग आए थे, संपत लाल पटुआ जी थे, पूजा लाज में रहते थे, मैं उनसे जाकर मिलता था, मेरे बहुत चाहते थे। रामानंद सागर जी आए थे एक खंडवा से, गुरु प्रसाद जी शर्मा आए थे, ना बहुत सारे लोग आए थे, बाबा भाई पोपली है और मेहमान सा जी के साथ, बीरबल सल्लाम जी ने जो चुनाव लड़े थे हमने उसमें काम किए। हम बहुत प्रताड़ित भी रहे कुछ दिन पहले, आज तो ये प्रताड़ित वाला मामला खत्म हो गया है, एकदम शांति, क्योंकि अब उपचुनाव में भाजपा अच्छी सीटों से विजय हासिल की है। हाँ। और पुनः शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करेंगे और ग्राम पटनिया में जो महायज्ञ का कार्यक्रम आप करेंगे तो वो इसमें आएंगी? हाँ, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन वो जरूर स्वीकार करेंगी, क्योंकि वो जननायक है, हमारा विश्वास है
और पूरी पूरी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे यज्ञ में और यज्ञ करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हजारी लाल चंद्रवंशी, ग्राम पटनिया, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।